नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं MSI का जो मैंने लैपटॉप लिया था, मॉडर्न 14 राइजन 5 4000 सीरीज़। तो आज जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं, तो इसको लिए मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं आज इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे यूज़ करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा, तो गाइस परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है। अगर आपको एक मल्टीटास्किंग लैपटॉप चाहिए जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो, दूसरी बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, छोटे मोटे गेम चला सकते हो, तो आप सही चॉइस है आपका, आप इसको ले सकते हो। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बहुत तगड़ा लैपटॉप है, और इसमें बहुत मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत से लैपटॉप यूज़ करे हैं, मैक वगैरह भी यूज़ करे। अगर आप एक बजट में लैपटॉप लेना चाहते हो जो कम में आपको ज़्यादा चीज़ें दें, तो बहुत सही लैपटॉप है। इसकी जो भी बॉडी है मेटल बॉडी है, जो नीचे साइड में वो प्लास्टिक है ऑब्वियसली, क्योंकि जो हीटअप होता है मेटल से ज़्यादा हीट हो जाता है, इस कारण नीचे साइड में जो है फ्लोर में प्लास्टिक बॉडी दी है, बाकी पूरा मेटल बॉडी है। और ये अच्छा, जब आप इसको बंद करते हो तो एक बहुत अच्छा सा साउंड आता है इसमें टक से, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है जिससे ये पूरा अच्छे से चिपक जाता है। हम प्लास्टिक में एज यूजली देखते हैं कि अच्छे से बंद नहीं हो पाता, और कुछ कुछ पार्ट जो कोने के हैं प्लास्टिक में टूटने लग जाते हैं। तो मेरी तो पहली चॉइस ये भी थी कि कुछ मेटल बॉडी में मुझे मिले इस प्राइम साइन में, तो ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। ये दिखने में प्रीमियम लगता है, मतलब आप जैसे देखेंगे जब भी लैपटॉप चालू होता है, अगर हम इसके कीबोर्ड की लाइट को बंद भी कर दें तो तब भी इसमें एक एक छोटे छोटे LEDs दिए हुए हैं, जैसे पावर के बटन पर LED हमेशा जलते रहते हैं कि लैपटॉप ऑन है, ये इंडिकेट करते रहता है। और इसमें एक LED छोटा सा मिल जाता है आपको एक माइक के बटन पे, जिसमें आप लैपटॉप का जो माइक है उसको ऑन ऑफ कर सकते, और ऑफ करते हैं माइक को, लैपटॉप के माइक को, तो ये लाइट ब्लिंक करता है। मैं आपको वीडियो में शो कर दूंगा। देन यहाँ पर एक बटन है जिससे आप अपना स्पीकर को बंद करते हो तो उसमें एक लाइट चालू रहता है, हमेशा इंडिकेट करता है कि लाइट बंद है। और इस कैप के बटन पे भी एक लाइट इंडिकेट दिया है, एक कैप्स लॉक पे भी एक लाइट का इंडिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन अगर हम इसके और भी चीज़ों की बात करें, कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी आपको नहीं मिलती कोई भी लैपटॉप में। अगर आप बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा क्वालिटी उतनी खास नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर हम और भी चीज़ों की बात करें, जैसे हम बात कर सकते हैं गेमिंग की, तो मैंने इसमें वॉलरेंट गेम खेला है, चल जाता है, ठीक ठाक चल जाता है। मतलब आप उसका एक्सपीरियंस मत करना कि इसमें कुछ बहुत ही अच्छा चल जाएगा। MSI का लैपटॉप है गेमिंग के लिए बना, नहीं दोस्तों ये गेमिंग के लिए नहीं बना है, ये बेसिकली आपके काम के लिए बना है। अगर आपको गेमिंग खेलना है तो MSI के दूसरे लैपटॉप पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि आप इसमें गेम खेल सकते हो, तो मैंने इसमें फ्री फायर खेल चुका है ब्लू स्टिक से, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लैग वैग कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा हीट हो जाता है। तो आप इसके नीचे कूलिंग पैड लगा सकते हो जिससे आपका जो लैपटॉप है वो डैमेज ना हो हीटिंग की वजह से। मतलब मुझे थोड़ा कॉन्शियस रहता है इस चीज़ों में, तो मैंने कूलिंग पैड लगा के रखा था जब मैं गेम खेला था। तो मैं अब तो शायद ही खेलूँगा इसमें, क्योंकि मुझे गेम खेलने का उतना टाइम मिलता नहीं है। सो और जब आप ये MSI का लैपटॉप लेते हैं दोस्तों, तो साथ में आपको एंटीवायरस की कोई दिक्कत नहीं होने वाली 2 महीने के लिए, तो इसमें आपको नॉर्टन का सिक्योरिटी का एंटीवायरस ट्रायल मिल जाता है, जिसमें मुझे अभी 2 महीने का मिलता है, और इसमें मेरे 18 दिन अभी बचे हुए हैं। तो सही, सब सही है इसमें, अच्छी प्रोटेक्शन दे देता है, और चीप रेट में अगर आपको इसको रिन्यू भी कराते हो तो रिन्यू करा सकते हो, बहुत सस्ता है, कोई किल वगैरह है और भी एंटीवायरस वगैरह हम कंपेयर करें तो। देन अगर हम बात करें इसमें ऐप वैप कैसे चलते हैं, अगर हम कोडिंग की बात करें जो हम मेन के लिए ज़्यादातर लोग आजकल लेते, क्योंकि कोडिंग दोस्तों स्कूल वगैरह सारी इसमें आपको सिखाई जाएंगी। अगर हम इसमें बात करते हैं एक्लिप्स IDE जो हमारे पास है जावा की, उसे हम खोलते हैं तो पहले देख लेते हैं, एक नॉर्मल सा कोड मैंने लिखा है शायद इसमें, या तो पहले से मेरा ये कोड लिखा हुआ था। अगर हम इसको रन करते हैं, जैसे बहुत जल्दी ये खुल चुका है एज़ कम्पेयर टू, अगर हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप की बात करें, मेरे पास पहले डेल का था, उसमें तो जल्दी कोई IDE खुलती भी नहीं थी, और चलती भी थी तो बहुत टाइम के बाद वो रन होती थी। मैं उसको रन किया है, अब देखिए तुरंत ही इसने एक्शन लिया है, कुछ चला है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं करा था, मुझे पहले से ही कोई भी कोई डिजिट, जैसे मैं यहाँ पर 7 डालता हूँ एंटर करता हूँ, तो कुछ नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे पहले कोड समझना पड़ेगा कि मुझे इंटर क्या करना है। एक और डिजिट करके देखता हूँ, अरे सॉरी, ओके, तो कुछ पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया, ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं।
ओके, तो ओबीएस स्टूडियो मेरा चल रहा है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ओबीएस स्टूडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हल्का सा, एकदम हल्का सा हीटअप हो रहा है, मतलब नॉर्मली जो लैपटॉप हीटअप होते हैं ओबीएस का, जिसके ओबीएस बहुत हैवी सॉफ्टवेयर दोस्तों। ठीक है, ओके, तो चलिए क्या बोल रहा है ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब किस चीज़ की बात करें, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस सब सही साट है इसका, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे कहीं पे भी। बहुत सारे ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, बहुत से डिलीट भी कर दिए जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स रहते हैं। और विंडोज़ का लैपटॉप, विंडोज़ में क्या दिखाऊंगा अगर मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखा दूँ, जैसे मैं इसके डिफ़ॉल्ट ऐप्स दिखा देता हूँ जो यहाँ पर आपको मिलता है एमएसआई की तरफ से। तो यह है कुछ ऐसा है, मेरे डिवाइस की इंफॉर्मेशन वगैरह है, कुछ परचेज डेट है। और दोस्तों बहुत ही कमाल के लैपटॉप है, मगर अगर मैं आपको इसमें और दिखा कंपेयर करते, अगर हम जाते हैं अमेज़ॉन डॉट इन पे, अमेज़ॉन डॉट इन पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मॉडर्न 14, ओ मॉडर्न 14 इंटेल कोर i7। मैंने बाय द वे ये लैपटॉप मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, तो इसमें तो नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें दोस्तों स्टॉक में नहीं रहता है लैपटॉप, बात ये है। अमेज़ॉन पे स्टॉक में मैंने देखा ही नहीं, इसके लिए मुझे फ्लिपकार्ट से लेना पड़ा। ये रहा स्टॉक में आज, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस चल रही है अभी 53,990 है, और मैंने इसको लिया है फ्लिपकार्ट से सेल में समथिंग 47 या 48,000 रुपीज़ में। कार्बन ग्रे सेम है, सेम सेम पूरा सेम है दोस्तों। ओके, और इसमें आप पूरी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है। अगर आपको इसकी वारंटी और बढ़वानी है 3 मंथ एक्स्ट्रा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मुझे पता है कि कैसे बढ़ाई जाती है एमएसआई की 3 मंथ्स और वारंटी, जो एक एमएसआई का सर्वे वगैरह होता है, मैं पूरी वीडियो डिटेल में डाल दूंगा। अगर आपको पता तो कोई बात नहीं, अगर इसको नहीं पता कमेंट कर दें, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनवा दूंगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सही लैपटॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसआई बहुत रेपुटेड कंपनी है, मेरे पास बहुत सी चॉइस थी, लाइक मेरे पास जो एसएस का है, एसएस वीवो बुक, वो भी मैं ले सकता था बट मैंने नहीं लिया, बिकॉज दिक्कत ये है दोस्तों उसमें मेटल बॉडी मुझे मिल नहीं रही थी, जो ये लैपटॉप है इसमें मेटल बॉडी मुझे मिल नहीं रही थी उस टाइम पे। अगर अब आ गया तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे मेटल बॉडी नहीं मिल रही थी, और मैंने फिर मुझे अर्जेंट भी था तो मैंने ये लैपटॉप ले लिया। लेकिन मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की इस लैपटॉप को लेके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी लेटेस्ट एमएसआई के लैपटॉप से कोई भी जुड़ी अगर कोई अपडेट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है मुझे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।